हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी सहेली चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मीठे बतासे की रेसिपी। दीपावली आने वाला है और आप इस बतासे को घर में ही बना के तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ लाल बतासे बनाने का विधि शेयर करूँगी। आप देख पा रहे हैं कितना जालीदार बतासा बना है और एकदम फुला फुला सा। तो ये बनाना भी बहुत आसान है, आप बहुत कम खर्च में घर में आसानी से इसे बना सकते हैं। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। बतासे बनाने के लिए ली हूँ यहाँ पर एक कटोरी चीनी। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और इससे कम भी ले सकते हैं। एक कटोरी चीनी है, इसे पीसना विसना कुछ नहीं है, बस इसी तरह से चीनी ली हूँ एक कटोरी और इसी से मैं आपको बतासे बना के दिखाऊंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि चीनी का बतासा बनाना है, चीनी अच्छे से पकाना नहीं सीखेंगे तो आपका बतासा बनेगा नहीं। तो इस तरह का ले ली हूँ एक बर्तन और इसे डाल ली हूँ चूल्हे पर और इसमें डाल दूँगी चीनी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और थोड़ा सा इसमें डालूंगी पानी, तो एक कटोरी चीनी में आधा कटोरी से भी थोड़ा सा कम पानी डाली हूँ और इसे अच्छे से चूल्हे पर चढ़ा के इसे छोड़ दी हूँ मेल्ट होने के लिए। और जैसा ये ली हूँ मैं बेलन, तो आप चाहें तो कोई भी इस तरह से बेलन से भी बना सकते हैं। इसे बनाने में थोड़ा सुविधा होता है और यदि आप चाहें तो इसे चमचे से भी बना सकते हैं, कलछी से भी बना सकते हैं, जैसे बनाना चाहें बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसे अच्छे से छोड़ दी हूँ पकने के लिए चीनी को। बहुत ज़्यादा इसे हिलाना डुलाना नहीं है, आसानी से ये पक जाएगा। और चीनी को कितना पकाना है वो आप अच्छे से देख लेंगे। तो इसे थोड़ा सा कलर डालूंगी क्योंकि मैं कलर वाला बतासा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। व्हाइट वाला बतासा इसके पहले भी मैं वीडियो अपलोड की हूँ, आप चाहेंगे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इसे अच्छे से चलाते हुए पका रही हूँ। तो इसमें डाल दे रही हूँ एक से दो ड्रॉप फूड कलर। तो यहाँ पर लाल कलर ली हूँ, आप चाहें तो इसे और भी कोई कलर में बना सकते हैं और चाहे तो आप इसे प्लेन भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कलरफुल बतासा देखने में अच्छा लगता है तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें डाली हूँ फूड कलर। और चीनी को लगातार पकाती जा रही हूँ और गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखी हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे चीनी पकेगा इस तरह से इसमें बबल्स आने लगेगा, ये फूलने लगेगा चीनी। तो इसे अच्छे से पकाना है। जब चीनी पक जाएगा तो इसमें बहुत सारा इस तरह से बबल्स बन जाएगा और चीनी बहुत ज़्यादा फूलना शुरू हो जाएगा, तो आप जान जाइएगा कि ये चीनी पक चुका है। और जब आप इस तरह से इसे चेक करेंगे, बेलन को उठाना है, तो उसका जो चीनी का ड्रॉप गिरेगा वो थोड़ा थोड़ा देर में गिरेगा, लगातार एकदम पतला सा ड्रॉप नहीं गिरना चाहिए। तो इस स्थिति में ही ये जम जाएगा अच्छे से। तो देख पा रहे हैं अच्छे से कि चीनी में कितना सारा उबाल आ रहा है और किस टाइप से इसमें बुलबुले बन रहे हैं। यदि कम पका हुआ रहेगा तो बतासा जमेगा नहीं, वो जब बनाएंगे तो वो फैल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। इसका एकदम जिस तरह से उंगली में चिपकाते हैं हम लोग इस चाशनी का तार बनाने के लिए, तो पूरा एकदम तार होना चाहिए। इस तरह से चिपका के आप चेक करेंगे तो वो टूटना नहीं चाहिए, तार एकदम टाइट सा होना चाहिए, इतना चीनी को पकाना है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, देखिए इस तरह से ड्रॉप रह रह के गिरेगा, तो ये पक चुका है। तो अभी मैं क्या करूँगी, गैस को बंद कर दे रही हूँ। गैस को बंद करने के बाद इसमें डाल दे रही हूँ एक चम्मच बेकिंग सोडा। तो गैस को बंद करने के बाद ही ये बेकिंग सोडा इसमें डालूँगी और इस तरह से इसे चलाना है। तो बहुत जल्दीबाजी मत करिए, जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे ये बेकिंग सोडा डालने से ये फूलेगा ऊपर। तो इसे इसी तरह से चलाते हुए पूरा अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये बैटर को अभी गैस को बंद कर दी हूँ, अभी उतना नहीं फूला है, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे ये फूलना शुरू होगा। और बतासे बनाने के लिए ले ली हूँ कोई मोटा कपड़ा, आप ले लीजिएगा मोटा कपड़ा पे छोटा छोटा सा इस तरह से आप बतासे को गिराते जाइए। और आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे बना रही हूँ बैटर और भी फूलते जा रहा है, चीनी का जो चाशनी है वो फूलते जा रहा है, उसमें अच्छा सा उबाल आते जा रहा है। तो ये बेकिंग सोडा से ये काफ़ी जालीदार बनता है और इसका छोटा छोटा सा मैं ड्रॉप गिरा दे रही हूँ कपड़े पे और बिल्कुल भी ये चिपकेगा नहीं कपड़े पर, बहुत आसान तरीके से ये बन जाएगा। साइज और बड़ा और छोटा आप बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं सारे को डाल दे रही हूँ अच्छे से। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और यदि पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से देखिए साड़ी मैं फैला दी हूँ। तो बतासे बनाने से पहले आप किसी भी कपड़ा को सेट कर लेंगे, जिससे कि पकने के बाद ये बैटर जल्दी जल्दी से आप इसका बतासा बना ले, नहीं तो ये जल्दी से सूख भी जाता है। तो इस काम को आपको बहुत जल्दीबाजी में करना है। यदि एक बार बतासे का चाशनी सूख जाएगा तो वो फिर बनेगा नहीं, गर्म भी कीजिएगा फिर भी उतना अच्छा नहीं बनेगा। तो अभी इसे छोड़ दी हूँ थोड़ा देर के लिए, जैसे ये ठंडा होगा अच्छे से सेट हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि एक बतासा कितना अच्छा से फूला है। तो छोटा छोटा साइज का तो उसी साइज के अनुसार से फूला है, और भी बड़ा बनाती तो और भी ज़्यादा फूला फूला सा आपको लगता। तो इसे ठंडा कर ली हूँ अच्छे से, जब यह ठंडा हो जाएगा तब इसे उखाड़ के दिखाती हूँ। कपड़ा थोड़ा सा मोटा वाला ही लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं लीजिएगा। तो बतासा अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब इसे कपड़ा से निकाल ले रही हूँ। ये बहुत आसान तरीके से निकल रहा है जैसा आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप बना के और रख ले, और इसे पूजा में यूज कर सकते हैं, जैसे कि रोज का भी पूजा में आप बतासे चढ़ा सकते हैं, या दीपावली में भी आप इसे बना सकते हैं। और एक कप चीनी में ही देखिए कितना सारा बतासा बनके तैयार हो गया है। और इसी तरह से आप चाहें तो और भी कलर का बतासा बना के तैयार कर सकते हैं, लेकिन एक बार में आप एक ही कलर का पहले इस तरह से बना के तैयार कर ले, फिर दूसरे बार चीनी पका के फिर उसमें दूसरा कलर डाल के बनाएं। तो इस तरह से बहुत तरह का कलरफुल बतासा बना के घर में आप तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे चैनल पर आपको रोज़ 11 से 11:30 के बीच एक नई वीडियो देखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो रोज़ देख सकते हैं, थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बनके तैयार है लाल लाल बतासे। तो आप इसे बिना कलर वाले भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली रेसिपी पसंद आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।